invite Akanksha Marwa to come near the stage. Her topic is Candle Spill. Welcome Akanksha. Hello everyone, I'm Akanksha Marwa, a tarot card reader, angelic healer, face reader, and I do know about candle magic. First of all, I would like to thank Jasmine ma'am, because without her, I won't be here. मुझे पता ही नहीं था कि like मैं intuitively कुछ भी बता सकती थी. मैंने ma'am से बस share किया था and she helped me a lot. So मतलब उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज. And my topic for today is misconceptions about candle magic. Basically, candle magic जो है वो साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वुडू मैजिक. सो बहुत सारे लोग इसको वुडू और हुडू कन्फ्यूज कर देते हैं और लाइक उनको ना बहुत मिसकनसेप्शंस हैं. जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब कैंडल मैजिक, तो मैं जब लोगों को बताती थी, उनसे मिलती थी, तो वो लोग बहुत नेगेटिव हो जाते थे, डर जाते थे और मुझे भी कुछ भी डरा देते थे. बोलते थे, अरे व्हाट आर यू डूइंग, हु विल मैरी यू, कुछ भी कहते थे. तो लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो सोचते हैं कि पता नहीं इसमें कुछ नेगेटिव ही होगा. बट इसको ना बहुत इजीली समझ सकते हैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिलेट करके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना आजकल बहुत फेमस आइडिया हो गया है, एवरीबडी नोज अबाउट इट. जैसे उसमें हम इंटेंशन सेट करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इसमें भी हम वही करते हैं बट त्राटक मेडिटेशन की हेल्प से. जो हमारी इंटेंशंस होती हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं कैंडल की फ्लेम पे अपनी इंटेंशंस को कॉन्सेंट्रेट करके. सो बेसिकली इसमें ये होता है. एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है. इसमें हम किसी को भी पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ये सिर्फ इंटेंशन बेस्ड है. आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिवली ही वर्क करेगा. नेक्स्ट इज अबाउट फास्ट रिजल्ट्स. लाइक हम किसी चीज़ को तभी फॉलो करते हैं, लाइक अभी यंगर जनरेशन हम तभी प्रेफर करते हैं अगर हमें फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज ना हम बिलीव नहीं करते. लाइक मुझे अगर कोई कहता था ना कि तुम बड़े होके वो रिसर्च करोगी और ऐसा, लाइक तो मैं ऐसा सोचती थी बड़े होकर क्यों, अभी भी तो मैं पता कर सकती हूँ कुछ भी जो मुझे जानना है. तो मतलब यंगर जनरेशन प्रेफर कि जल्दी रिजल्ट्स मिले, बट यू नो कभी कभी टाइम भी लगता है. जैसे ना दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेज कि हम एनर्जी को ना क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और इसमें हम यही करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे मैं सबसे ज़्यादा इसका यूज जो करती हूँ अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, अपने घर पर जो नज़र लग जाती है उसे हटाने के लिए करती हूँ. तो सबसे ज़्यादा मतलब इसका यूज़ हम जल्द कभी भी कर सकते हैं. और लाइक ना हमें 9 to 11 डेज़ का रिचुअल रहता है किसी बड़ी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके रिजल्ट्स कई बार लेट भी निकलते हैं. वो इसलिए क्योंकि कई बार ना बहुत नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, हमारे सराउंडिंग में, तो इट टेक्स टाइम, बट ये 100% वर्क करता है. एंड हाँ, इसमें जैसे कैंडल का यूज़ होता है ना, तो अभी किसी को आइडिया नहीं होगा अगर ज़्यादा, तो वो लोग ना इसको क्रिश्चियनिटी से भी रिलेट कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि कैंडल्स यूज हो रहे हैं तो कुछ कैथोलिक या कुछ ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट कन्फाइंड, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना, इट्स नॉट कन्फाइंड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. जैसे इसमें हम कैंडल जैसे फायर एलिमेंट का यूज़ करें, तो फायर एलिमेंट जो है ना, बेसिकली इट हैज़ सम कॉस्मिक पावर. वो किसी भी चीज़ की पावर को एनहांस कर देती है. जैसे हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं तो एक बिलीफ के साथ जलाते हैं, वो हमारी विशेस की पावर को और हार्नेस कर देती है. अदरवाइज इट्स नॉट रिचुअल कि अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो दिया जलाना ही जला रहा है. वो जस्ट हमारा बिलीफ है कि हमारी जो विश है वो पूरी होगी. फायर एलिमेंट इज नॉन टू हार्नेस, वो हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देता है. एंड अबाउट यूज़ ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड यूज़ ऑफ स्पेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है. जो लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पा रहे होंगे. लाइक जब ना मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स में बुरी थी, मैं बहुत गलतियाँ करती थी और मेरी टीचर हर एक स्पेलिंग मुझे 10 बार 20 बार लिखने को कहती थी. तो वो ये ट्राई करी होती थी कि वो जो स्पेलिंग है ना वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में फिट हो जाए. तो जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो भी हमारे साथ यही करती हैं. हम जब बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस को इस तरह से रिप्रोग्राम कर लेती है कि हमें अपनी सिचुएशन पे बिलीव होने लग जाता है और बहुत जल्दी जो है हम लोग जो है अपनी सिचुएशन के लिए एक्ट करके उसकी सिचुएशन को चेंज कर देते हैं. एंड यूज ऑफ स्पेल्स,
स्पेल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अब जैसे कुछ लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, तो जो लोग मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करते उनके लिए वो सिर्फ एक स्टैचू है, लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं उनके लिए वो भगवान हो जाती है। वो मतलब छोटा स्टैचू होगा, बड़ा वो उसको भगवान मान लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इट्स ओनली अबाउट बिलीव। जितना ज़्यादा बिलीव होता है ना हमें किसी चीज़ पर, वो चीज़ उतनी ही जल्दी वर्क करती है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि फेथ, बिलीफ एंड गुड इंटेंशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एनी मैजिक टू वर्क इन मिस्टिकल वेज। थैंक यू सो मच।